हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि डीडीएल कमांड। सो डीडीएल कमांड हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जितना भी देखा था उससे आगे हम बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या देखने वाले थे कि क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप, ठीक है। तो ड्रॉप के अंदर यहाँ तक हम पहुँचे थे। अब मुझे ट्रंकेट करना था। ट्रंकेट मतलब मुझे किसी भी फील्ड या कॉलम का नाम या फिर टेबल का नाम चेंज करना है, तो उसके लिए ट्रंकेट का यूज़ किया जाता है। तो अब तक आपको समझ में आ गया हो गया कि क्रिएट की मदद से आप किसी भी टेबल या डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो, अल्टर की मदद से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, ड्रॉप की मदद से डिलीट कर सकते हो किसी भी फील्ड या टेबल को, और उसके बाद एक ट्रंकेट किसी भी फील्ड को बिना टेबल के अंदर चेंज किए बिना रिनेम आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए ये सारी फंडामेंटल मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको सिंटेक्स दिखाई थी, ठीक है। अब हम पहुंचे हैं यहाँ पे रीनेम पे, ठीक है। रीनेम मतलब हमारा ट्रंकेट। तो उसके लिए यहाँ पे आपको रीनेम कॉलम मतलब कॉलम का नाम आपको चेंज करना है, तो उसके लिए आपको कौन सी क्वेरी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम। तो अल्टर टेबल है यहाँ पे एक फिक्स कीवर्ड है, ठीक है। और टेबल का नाम अपनी तरीके से जैसे आपने दिया होगा डेटाबेस के अंदर वैसे ही यहाँ पे आपको लिखना है। फिर रीनेम, रीनेम और कॉलम ये दोनों वापस फिक्स कीवर्ड है, और उसके बाद ओल्ड नेम मतलब ओल्ड फील्ड का नाम, और उसके बाद टू फिक्स कीवर्ड है, और उसके बाद न्यू कॉलम का नाम आपको इस तरीके से आपको दे। उसकी एग्जांपल भी यहाँ पे आपको दी गई है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि अल्टर टेबल मतलब वो फिक्स है, कस्टमर नाम के टेबल के अंदर कस्टमर नेम को चेंज करके आपको करना है सी नेम, ठीक है। तो इस तरीके से आप रीनेम यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिकल भी हम देख लेंगे साथ साथ में। तो स्टार्टिंग में हम जा रहे हैं, हमारे पहले तो हमें MySQL डेटाबेस ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मुझे एप्लीकेशन के अंदर मुझे यहाँ पे पहले तो पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है, जो मैंने दिया हुआ था वही चीज़। और ऑलरेडी मैंने डेटाबेस, मेरा अकाउंट यहाँ पे ओपन ही है, तो मैं दूसरा यहाँ पे डेटाबेस नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट है, उसका मुझे ये वन पासवर्ड भी, यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे हमारा पासवर्ड, न्यू पासवर्ड डाला, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन किया। उसके बाद मुझे जाना है यहाँ पे SQL वर्कशॉप के अंदर, ठीक है। और जितने भी टेबल है वो देखने हैं, उसके लिए मुझे एबचेक ब्राउजर के अंदर, ठीक है। तो मैं इसकी दो टैब ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको बार बार क्लिक करके अलग अलग फील्ड में जाना ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी SQL कमांड हो गई और ये हमारा टेबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेबल के अंदर मुझे यहाँ पे फील्ड दिखाई दे रही है। इसके अंदर मैंने कोई भी अभी डेटा को इंसर्ट नहीं करवाया, क्योंकि अभी तक हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। फील्ड हमने टेबल ही इंसर्ट करवाई हुई है। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे टेबल के अंदर जो कॉलम का नाम था उसे मुझे चेंज करना था। तो कस्टमर्स टेबल है, हमने वहाँ पे बहुत सारे बनाए थे, आई थिंक सप्लायर भी बनाया हुआ था, बॉटल और बैग ऐसे हमने बनाया हुआ था, ठीक है। तो कस्टमर के अंदर ही हम चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास कस्टमर नाम का टेबल है, कस्टमर्स टेबल का नाम आपको अच्छे से समझना है पहले तो, ठीक है। फिर रीनेम करना है, तो उसके लिए मैंने क्वेरी जैसे आपको अभी बताई, ठीक है। तो अल्टर टेबल, तो यहाँ पे आपको लिखना है अल्टर टेबल, टेबल का नाम। तो टेबल का नाम हम क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पे, कस्टमर्स। तो कस्टमर के अंदर मुझे क्या करना है कि कस्टमर नेम है वहाँ पे सी नेम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले तो टेबल का नाम लिख देता हूँ, कस्टमर स्मॉल में लिखोगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। फिर रीनेम कॉलम का नाम, तो कौन सी कॉलम आपको चेंज करनी है, तो वो कॉलम का नाम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो मुझे कस्टमर अंडरस्कोर नेम ये फील्ड को मुझे चेंज करना है, तो ये फील्ड मुझे पहले यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, कस्टमर अंडरस्कोर नेम, ठीक है, टू सी नेम, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पे मुझे कुछ कीवर्ड के अंदर मिसिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मिसिंग क्या दिखा रहा है कि मिसिंग पार्टीशन और सब पार्टीशन कीवर्ड। तो यहाँ पे मेरी जो क्वेरी है उसके हिसाब से नहीं होगी, ठीक है। मुझे यहाँ पे कॉलम लिखना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे कॉलम नहीं लिखा, रीनेम कॉलम, ठीक है। अब जैसे ही रन करूँगा तो देखो क्वेरी रन हो गई। यहाँ पे जाने के बाद जैसे मैं कस्टमर पे क्लिक करूँगा तो कस्टमर नेम की जगह पे आ जाएगा सी नेम। देखो कॉलम का नाम सिर्फ चेंज हुआ है, उसके अंदर जो डेटा पड़ा था उसका डेटा टाइप है, उसकी जो नल पॉइंटर है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेबल की फील्ड का नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है, कोई भी फील्ड। फिर यहाँ पे दिया गया है कि आपको टेबल का नाम ही चेंज करना है,
ठीक है, टेबल का नाम है वही आपको चेंज करने ना है। तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको सिंटेक्स दी गई है कि अल्टर टेबल, ये फिक्स कीवर्ड हो जाते हैं आपके पास। फिर टेबल का नाम कोई भी टेबल आप ले सकते हो, रीनेम टू, ठीक है। तो आपको टेबल का नाम चेंज करना है तो उसके लिए रीनेम टू लिखना पड़ेगा, और फील्ड का नाम चेंज करना है तो उसके लिए आपको रीनेम कॉलम लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी नया टेबल का नाम आपको देना है वो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका भी एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया गया है कि अल्टर टेबल कस्टमर, और यहाँ पे रीनेम टू, और यहाँ पे लिख दिया है कॉन्टैक्ट, मतलब कस्टमर को उन लोगों ने कन्वर्ट किया है कॉन्टैक्ट्स के अंडर। तो इसकी भी हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरे पास कस्टमर नाम का एक टेबल है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे क्वेरी लिखूंगा, तो उसके लिए मुझे अल्टर फिर टेबल का नाम कस्टमर्स, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखना है रीनेम टू, ठीक है। कस्टमर का नाम मुझे करना है यहाँ पे कॉन्टैक्ट। तो जैसे मैं यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पे कुछ मिसिंग दिखा रहा है हमारे पास। ओके, अल्टर टेबल, ठीक है। जैसे ही रन किया तो हमारी क्वेरी रन हो गई है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स लिखा होगा, देखो कॉन्टैक्ट आ गया, ठीक है। तो टेबल का नाम भी मैं यहाँ से क्वेरी के थ्रू रीनेम कर सकता हूँ। तो ये सारी क्वेरी आपको रिमेम्बर रखनी है, क्योंकि आगे जाके बहुत ही आपको बेनिफिट करेगी, ठीक है। उसके बाद है कि ड्रॉप, ठीक है। तो ड्रॉप की मदद से आप किसी भी टेबल को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल ही क्वेरी है कि ड्रॉप टेबल, फिर उसके बाद टेबल का नाम। तो सिंपली क्या करेगा कि आपका टेबल डेटाबेस के अंदर, ओरेकल डेटाबेस के अंदर परमानेंटली डिलीट करना, साथ में इसके अंदर जो भी डेटा पड़ा हुआ है वो भी डिलीट कर देगा। मतलब इसकी जितनी भी कॉलम है, कॉलम के अंदर जितना भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली हुई है कॉन्टैक्ट्स की या फिर कस्टमर की, वो सारी की सारी डिलीट, वो आपको बाद में कभी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान से डिलीट करना है, ठीक है। डिलीट करते टाइम 10 बार सोच लेना भाई मुझे क्या डिलीट करना है, उसके बाद ही उस कमांड को यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉप, उसके बाद टेबल का नाम, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ड्रॉप टेबल कस्टमर्स। ओके, कस्टमर तो हमने निकाल दिया था, उसके लिए मेरे पास आ गया कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट आ गया, और जैसे मैं यहाँ पे रन करूँगा तो हमारे पास जो टेबल थी वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी, कॉन्टैक्ट्स वाली, ठीक है, गायब हो गई, ठीक है। तो वो परमानेंटली डिलीट हो गई हमारे पास से, ठीक है, परमानेंटली टेबल डिलीट हो गया। अब है ट्रंकेट कमांड। तो ट्रंकेट कमांड के बारे में पहले हम देख लेते हैं कि क्या कर सकता है। द ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल इन ओरेकल। मतलब टेबल के अंदर जो भी आपने इंफॉर्मेशन डाली है उस इंफॉर्मेशन को डिलीट करने के लिए ट्रंकेट टेबल का यूज किया जाता है, ट्रंकेट कमांड का या स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर है कि इट परफॉर्म द सेम फंक्शन एज अ डिलीट स्टेटमेंट विदाउट वेयर क्लोज। मतलब वेयर क्लोज के बिना ही आप डेटाबेस के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है उसे डिलीट कर सकते हो। है कि जब भी हमारे पास डेटा रहता है तभी हम यूज़ करने वाले। तो ट्रंकेट कमांड को अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम DML कमांड जो भी है वो हम पहले देख लेते हैं। तो DML कमांड की मदद से मुझे डेटा को इंसर्ट करवाना है, तो इंसर्ट की क्वेरी, मतलब जो भी डेटा मेरे पास है उसको इंसर्ट करवा सकते हो, उसके बाद उसको अपडेट करवा सकता हो, और उसके बाद उसको डिलीट भी हम करवा सकते हैं, ठीक है। तो इतने कमांड मेरे पास अभी पड़े हुए हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास जो इंसर्ट की क्वेरी है, मतलब जो भी मेरे पास टेबल है, तो इंसर्ट की कमांड क्या कर सकते हो। तो DML मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो अब तक आपने जो भी पढ़ा, ठीक है, वो वन टाइप ऑफ DDL लैंग्वेज थी, मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मतलब जो भी आपने टेबल बनाया है, कॉलम बनाई है, उसको अंदर आपको किस तरीके से नई कॉलम डाल सकते हो, डिलीट कर सकते हो, किस तरीके से रीनेम कर सकते हो, किस तरीके से टेबल को डिलीट, तो वो सारी चीज़ें डेटा डेफिनेशन के अंदर आ जाते हैं। टेबल के रिगार्डिंग, टेबल के इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग नहीं आएगी कुछ भी, ठीक है। तो उस टेबल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है उसके लिए आपके पास आ जाएगा DML, मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसके लिए आपको 3 तरीके की क्वेरी दी गई है, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि इंसर्ट, मतलब डेटा मुझे टेबल के अंदर करवाना है इंसर्ट, तो उसके लिए इंसर्ट क्वेरी की यूज मुझे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसको पहले समझ लेते हैं कि इंसर्ट क्वेरी एग्जैक्टली क्या करता है।
द ओरेकल इंसर्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट अ सिंगल रिकॉर्ड और मल्टीपल रिकॉर्ड इनटू टेबल इन ओरेकल, मतलब इंसर्ट स्टेटमेंट एक साथ एक रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर सकता है और एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर सकता है। तो उसके लिए सिंटेक्स यहाँ पे दी गई है कि इंसर्ट इनटू, ये फिक्स आता है, फिर टेबल का नाम जो भी आपके पास हो, फिर है कि जितनी भी आपके पास कॉलम या एट्रीब्यूट हो और उसके अंदर जो भी आपको वैल्यू डालनी हो बीच में वैल्यू लिखनी पड़ेगी और उसके बाद लाइन टू लाइन लिखना है। कॉलम वन के अंदर आपने अगर आपने नेम लिखा है तो यहाँ पे आपको नेम ही देना पड़ेगा, अगर आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया तो यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर ही देना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई आप कॉलम के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल के अंदर यहाँ पे दिया है कि इंसर्ट इनटू सप्लायर्स, तो सप्लायर की आईडी कंपलसरी आपको यहाँ पे एज अ नंबर के फॉर्मेट में ही देनी पड़ेगी, नेम है तो उसके बाद ही देना है, ऐसा आप नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने सप्लायर आईडी दी है तो सप्लायर आईडी आप यहाँ पे दोगे ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, लाइन टू लाइन ही आपको सारा कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप इसको समझ में आ गए, इसको हम प्रैक्टिकल भी करके देख लेते क्वेरी की मदद से। ठीक है, तो ये हमारे पास बॉटल नाम का एक टेबल था, इसके अंदर अभी कोई भी डेटा नहीं पड़ा, खाली है, तो मुझे इसके अंदर इंसर्ट करवाना है डेटा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्वेरी लिखनी पड़ेगी, इंसर्ट इनटू स्मॉल में लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, वो टेबल का नाम मेरे पास था बॉटल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉटल, स्मॉल कैपिटल किस में लिखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद कौन सी फील्ड है आपके पास, तो उसके अंदर जितनी भी फील्ड है उस फील्ड का नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बॉटल आईडी है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको लिखना पड़ेगा बॉटल अंडरस्कोर आईडी, और जितनी भी फील्ड रहती है इसकी, जितनी भी इसकी फील्ड रहती है वो आपको बैकवर्ड कोट में भी देनी पड़ेगी, मतलब कभी कभी ओरेकल के अंदर वो बैकवर्ड कोट भी लेता है या फिर कुछ भी नहीं लेता। तो पहले हम ऐसे ही ट्राई करते हैं कि हमारा डेटा इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर एक ही ब्रांड, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रांड, उसके बाद है हमारे पास बॉटल कलर, बॉटल अंडरस्कोर कलर, उसके बाद एक ही बॉटल अंडरस्कोर वेट, उसके बाद हमारे पास है बॉटल अंडरस्कोर वाटर। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे देनी है वैल्यूज। तो देखो, फर्स्ट के अंदर मैंने बॉटल आईडी दी है तो मुझे यहाँ पे नंबर ही देना पड़ेगा, तो सेम नंबर में दो बार नहीं दे, एक बार दे दिया तो दूसरी बार में नहीं दे सकता। उसके बाद है ब्रांड, तो ब्रांड किस फॉर्मेट में थी, यहाँ पे स्क्वायर के, मतलब एक स्ट्रिंग थी, नंबर था तो चलेगा, यहाँ पे वन दे दिया, और अगर आपके पास यहाँ पे वेर कह रहे मतलब स्ट्रिंग है तो उसको आपको एक डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक्वा, उसके बाद ब्रांड कलर। ठीक है, तो थर्ड मेरे पास यहाँ पे क्या था, कलर, तो मुझे तीसरा यहाँ पे तीसरी फील्ड देनी पड़ेगी कलर, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, और ये भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में इसलिए मुझे यहाँ पे येलो लिखना पड़े। फिर बॉटल की वेट, तो यहाँ पे मुझे बॉटल की वेट 50 लिखना है तो चलेगा, पर 50 ग्राम्स लिखना है तो आपको डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा। फिर एक की वाटर, वाटर मैंने दे दिया यहाँ पे प्योर। तो जैसे ही रन कर रहा हूँ तो कॉलम नॉट अलाउड हियर इस तरीके की कुछ एरर दिखा दे रहा है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे बैकवर्ड कोट के अंदर दे रहा हूँ सारा कुछ। ठीक है, तो ये जितनी भी मेरे पास फील्ड थी उसको मैंने एक बैकवर्ड कोट के अंदर दे दी है। ओके, तो यहाँ पे हमारी क्वेरी है वो इंसर्ट हो गई है। ठीक है, तो जैसे मैं इंसर्ट यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे इस टेबल के अंदर मेरे पास जितने रिकॉर्ड पड़े होंगे वो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ तो देखो, यहाँ पे हमारा एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, तो SQL के थ्रू भी हम हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे रन करूँगा तो हमारी क्वेरी यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे बैक करूँगा, मुझे डेटा देखना है इसके अंदर कितना पड़ा हुआ है, तो उसके लिए मुझे सिलेक्ट की क्वेरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बॉटल, तो यहाँ पे देखो दो रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो इंसर्ट की क्वेरी हमारी अच्छी तरीके से अभी वर्कआउट में आ गई है।
ठीक है, तो जितने भी डेटा हमारे पास है वो सारा का सारा रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे अच्छी तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे आने के बाद इंसर्ट की क्वेरी, तो आपको अच्छी तरीके से और समझने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे और भी टेबल है, जैसे कि सप्लायर का टेबल। तो सप्लायर के अंदर क्या था, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और कस्टमर की सिटी। ठीक है, वो दोनों दोनों वर्कर और ये हमारे पास नंबर फॉर्म है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जाने के बाद वापस मैं एक इंसर्ट की क्वेरी लिख रहा हूँ, इंसर्ट इनटू सप्लायर्स। तो सप्लायर्स का स्पेलिंग अच्छा होना चाहिए, ठीक है, अच्छी तरीके से। ठीक है, उसके बाद मुझे उस फील्ड का नाम लिखना है और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू, तो इसकी सिंटेक्स हो गई। और उसके अंदर मेरे पास कस्टमर आईडी, तो मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी कस्टमर, तो जिस फॉर्मेट में उसी फॉर्मेट का आपको लिखना है, स्मॉल में आप नहीं लिख सकते। ठीक है, उसके बाद कस्टमर नेम, कस्टमर अंडरस्कोर नेम, उसके बाद यहाँ पे सिटी। ठीक है, और उसके बाद जो भी वैल्यू थी, तो वैल्यू आप यहाँ पे दे दी वन, फिर कस्टमर का नाम यहाँ पे दे दिया उमेश, फिर यहाँ पे आपने उसकी सिटी दे दी सूरत। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे रन करोगे तो आपकी क्वेरी यहाँ पे रन, कॉलम नॉट अलाउड हियर, इस तरीके से कुछ एरर देखा था कि ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि कस्टमर अंडरस्कोर आईडी और कस्टमर अंडरस्कोर नेम, और ये हमारे पास यहाँ पे टेबल था, तो टेबल का नाम भी मैंने अच्छे तरीके से दे दिया अब तो। ठीक है, तो कॉलम नॉट अलाउड हियर करके कुछ एरर दे रहा है, तो मुझे यहाँ पे आई थिंक सिंगल कोट करना पड़ेगा। देखो, तो यहाँ पे आपको सिंगल कोट करना है, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की जो भी फील्ड जैसे आपने टेबल के अंदर दी है उसी तरीके की कॉलम का नाम यहाँ पे आपको रखना है। ठीक है, उसके आगे जो भी वैल्यू आपको देनी है वो यहाँ पे आपको दे सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे दूसरी मुझे फील्ड ऐड करवानी है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया राकेश और यहाँ पे मैंने उसका भी सूरत कर दिया, तो रन, तो दूसरी क्वेरी भी हमारी यहाँ पे रन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी जितनी भी फील्ड है वो सारी की सारी फील्ड यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी, उसका टेबल का नाम, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको वैल्यू, अगर नंबर फॉर्मेट दिया है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर फॉर्मेट रखना है, और कैरेक्टर फॉर्मेट में है तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंसर्ट की गई थी। उसके बाद इंसर्ट आपको बहुत सारे डेटा करवाने हैं, ठीक है, तो उसके भी अलग अलग बहुत सारे फॉर्मूले आपको दिए गए। तो यहाँ पे देखो, इंसर्ट स्टेटमेंट, तो यूजिंग सिलेक्ट इंस्टेंट इंसर्ट स्टेटमेंट की मदद से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि इंसर्ट इनटू कॉलम का नाम फिर सिलेक्ट, तो ये थोड़ी क्वेरी आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि बहुत सारा डेटा आपको डालना है एक साथ, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, तो वो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, इंसर्ट ऑल। ठीक है, तो इंसर्ट ऑल के अंदर क्या हो जाता है कि देखो, पहले तो आपने क्या किया कि सिंगल इंसर्ट आपको करना है, तो इंसर्ट इनटू किया था। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी फील्ड आपको या फिर वैल्यू या फिर बहुत सारी रो इंसर्ट करवानी है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको ऑल लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया, तो ओरेकल इंसर्ट ऑल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ऐड मल्टीपल रो, मतलब बहुत सारी रो आपको एक साथ इंसर्ट करवानी है, तो उसके लिए यहाँ पे यूज होती है कमांड इंसर्ट ऑल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देख, जितनी भी क्वेरी यहाँ पे इंसर्ट हुई है वो सारी की सारी यहाँ पे इंसर्ट, जितनी भी यहाँ पे रो बन रही है वो सारा डेटा एक साथ इंसर्ट हो सकता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको कमांड दी गई है कि इंसर्ट ऑल इनटू माय टेबल, फिर कॉलम का नाम जितनी भी आपके दें, फिर इंसर्ट, फिर वापस आपको इनटू देना है टेबल का नाम, वापस इनटू देना है टेबल का नाम, और जितना भी टेबल के अंदर आपने डेटा डाला है वो सारा आपको देखना है, तो उसके लिए वापस से आप सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ड्यूल की कमांड लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, जितनी भी टेबल आप इंसर्ट कर रहे हो, तो आपने ये टेबल इंसर्ट यहाँ पे करवा दिया, फिर यहाँ पे क्या किया कि वापस उसने उसको आपने सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट की क्वेरी हम अलग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट उसकी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिए गए कि इंसर्ट ऑल, उसके बाद इनटू सप्लायर का नाम, सप्लायर आईडी, सप्लायर नेम, उसके बाद वैल्यू, वापिस इनटू सप्लायर, वापिस इनटू सप्लायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वापिस आपको सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ड्यूल,
ठीक है, तो ड्यूल निकला, जो भी टेबल में से मुझे डेटा चाहिए उसके लिए यहाँ पे दिया। तो क्वेरी हम लिखते हैं कि एक साथ मुझे कितना डेटा चाहिए, ठीक है, तो ये तो मैंने लिखा होता है। इंसर्ट यहाँ पे मैं दे देता हूँ ऑल, ठीक है, फिर मैंने यहाँ दे दिया इनटू सप्लायर, वापस मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा इनटू सप्लायर्स, और जो मैंने ऊपर लिखा था वही मैं कॉपी करके नीचे दे देता। तो दो रिकॉर्ड तो हमने इंसर्ट कर दिए थे, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, और यहाँ पे मैं नाम कर देता हूँ चेंज महेश, यहाँ पे मैं कर देता हूँ रोहन, और एक और क्वेरी में ले लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ राजन, और यहाँ पे मैं चार की जगह पे फाइव देता हूँ, ठीक है। तो देखो क्वेरी यहाँ पे हो रही है, पर आपको इसके बाद सिलेक्ट कमांड का यूज करना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ड्यूअल, ठीक है। देखो जैसे ही आपने ड्यूअल लिखा तो जितने भी यहाँ पे क्वेरी थी वो सारी की सारी क्वेरी यहाँ पे इंसर्ट होगी, मतलब तीन रो एक साथ इंसर्ट होगी, ठीक है। तो जितना भी डेटा इंसर्ट हुआ है वो सारा आपको देखना है, ठीक है। तो देखने के लिए भी अलग से यहाँ पे क्वेरी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे क्वेरी हमारे पास आती है सिलेक्ट की, ठीक है। तो डेटा लाने के लिए भी हमारे पास अलग से क्वेरी रहती है, उस डेटा को लाने के लिए सिलेक्ट क्वेरी का यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे आप करोगे सिलेक्ट स्टार फ्री टेबल का नाम सप्लाई, ठीक है। और जैसे ही रन करोगे तो जितना भी रिकॉर्ड आपका इंसर्ट हुआ है वो सारा सारा का सारा यहाँ पे आपको देखे दिखाई देगा। देखो उमेश, राकेश, महेश, रोहन और राजेंद्र, तो सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो डेटा डेटाबेस में से लाने के लिए सिलेक्ट क्वेरी का यूज किया जाता है। तो हाँ, तक अभी नहीं पहुंचे पर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए और डेटा को लाने के लिए यहाँ पे इन दोनों क्वेरी का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो ट्रंकेट कमांड के पास वापस हम आते हैं, तो ट्रंकेट के अंदर जो भी मैंने क्या बोला था कि ट्रंकेट के अंदर जितना भी डेटा होगा वो डिलीट हो जाता है, ट्रंकेट कमांड आप चलाते हो तब। तो सेम एज इट इज डिलीट के अंदर भी होता है, तो मैं पहले आपको ट्रंकेट कमांड दिखा देता हूं, फिर ट्रंकेट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम, ठीक है। तो जैसे आप जितना भी रिकॉर्ड वो टेबल के अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है वो डिलीट हो जाएगी, टेबल डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ ट्रंकेट, उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेबल, और उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा सप्लायर्स, ठीक है। जैसे मैं रन करूँगा तो क्वेरी हमारी रन हो गई है, ठीक है। अब मैं वापस मुझे डेटा देखना है तो उसके लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सप्लायर्स, तो जैसे मैं इतना लिखूँगा तो टेबल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हुई वो सारी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, नो डेटा फाउंड, नो डेटा फाउंड, ठीक है। तो इस तरीके से सारा डेटा मतलब ट्रंकेट की मदद से आप जितना भी डेटा है डेटाबेस के अंदर है वो डिलीट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डेटा को आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो डेटा मैनिपुलेशन के अंदर हमने क्या देखा अभी, इंसर्ट कमांड और ऊपर की जो कमांड बाकी रह गई थी वो हमने अभी देखी है, ठीक है। और अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं अपडेट और डिलीट, ठीक है। तो ये आपको इंसर्ट की क्वेरी आ गई है, अब ये कमांड मैंने अभी आपको नहीं बताया, ठीक है, और इंसर्ट ऑल का बताया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपडेट और साथ में इंसर्ट सिलेक्ट, इंसर्ट स्टेटमेंट यूजिंग सिलेक्ट की मदद से, वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के, ताकि ये हमारा जो टॉपिक था डिलीट वाला वो सारा का सारा यहाँ पे डी डेटा क्वेरी लैंग्वेज तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ तक आपको वर्कआउट करना है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है तो यहाँ पे लेक्चर के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन दिए गए जो आपको सबमिट करवाने रहेंगे आपके RNWIT एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, थैंक यू।